हमागनी हुकम, आज हम बात करेंगे बाइसा शब्द के बारे में। राजपूत वर्ग में बाइसा शब्द का काफ़ी प्रचलन है। आमतौर में बाइसा शब्द का अर्थ बहन के रूप में निकाला जाता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से सही नहीं है। बाइसा का अर्थ केवल बहन नहीं होता है, यह शब्द राजपूत समाज में लड़की को इज्जत भाव देने के लिए यूज़ किया जाता है। बाइसा शब्द मातृशक्ति का प्रतीक है और सा शब्द हमारी संस्कृति में सम्मान के लिए लगाया जाता है। हमारे समाज में लड़की को बाइसा कहकर बुलाया जाता है, क्योंकि नाम से बुलाना थोड़ा ओछापन को दर्शाता है। और अगर आप बाइसा का नाम नहीं जानते हैं तो भी आप बाइसा बुलाकर उनसे बातचीत कर सकते हैं। बाइसा शब्द से हम उनके प्रति हमारा सम्मान व्यक्त करते हैं। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि बाइसा को बहन के रूप में ही व्यक्त की किया जाए। जिस प्रकार किसी राजपूत व्यक्ति जिनको हम नहीं जानते या इज्जत देने के लिए बना कहकर बुलाते हैं, इसी प्रकार बाइसा शब्द का प्रयोग भी करते हैं। बाइसा शब्द को बहन के रूप में कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ बहन ही अर्थ होता है, यह गलत है। अगर आप भी इसमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए कि बाइसा को सिर्फ बहन मानना सही है, या फिर बाइसा अपन किसी को भी बुला सकते हैं जिनका नाम नहीं जानते, जिनसे बातचीत करनी हो, या उनको इज्जत देने के लिए बाइसा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी इसमें क्या राय है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपके लिए इसी टाइप के वीडियो लाती रहूँगी अच्छे। और इस वीडियो को आगे आगे शेयर करें ताकि काफ़ी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए। और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ जो नेक्स्ट वीडियो आए उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। खमा गणिसा। अरे एक बात तो मैं भूल ही गई, जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जल्दी से जल्दी, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो ठीक है, थमागनी।